हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका फ़ोन हैंग करता है तो हैंग होने के बाद कैसे आप हैंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। तो हैंग होने के बाद हैंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो हैंग इशू कैसे होता है, जब आपका फ़ोन पर इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाएगा तब आपका फ़ोन हैंग करेगा। तो पहले आपका फ़ोन पर जितना भी ऐप है, इनमें से जो ऐप आपका काम का नहीं है उन ऐप को आपको अनइंस्टॉल करना होगा। ऐसा बहुत ऐप है जो आपका काम पर नहीं आता है, उन ऐप को आपको डिलीट करना होगा। डिलीट करने के बाद आपका फ़ोन पर जो हैंग का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार जितना भी ऐप है, जो ऐप आपका काम का नहीं है उन ऐप को अनइंस्टॉल करके देखिए, आपका फ़ोन पर जो हैंग का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा बहुत ऐप है जो ऐप आपका काम का नहीं है, उन ऐप को आपको डिलीट करना होगा, तो आपका फ़ोन पर जो हैंग इशू वो सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार बहुत ऐप मिल जाएगा, उन ऐप को आपको अनइंस्टॉल करना होगा, तो आपका फ़ोन पर जो हैंग का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस बार आप करके देख सकती हो। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप और एक काम कर सकती हो। आपका फ़ोन पर फाइल मैनेजर को आपको ओपन करना होगा। फाइल मैनेजर पर जितना भी गाना है, जितना भी वीडियो है, जितने भी फ़ोटो है, उनमें से जो वीडियो आपका काम का नहीं है उन वीडियो को आपको डिलीट करना होगा। इंटरनल स्टोरेज को आपको कम रखना होगा, नहीं तो आपका फ़ोन हैंग करेगा। तो फोटो को वीडियो को आपको डिलीट करके आपका फ़ोन पर जो हैंग का जो इशू है वो सॉल्व करना होगा। अगर सॉल्व नहीं होते तो आपको फ़ोन को रीसेट करना होगा, सेटिंग्स ओपन करना होगा। सेटिंग्स पर एडिशनल सेटिंग्स, बैकअप एंड रीसेट, तो रीसेट फ़ोन, इरेज ऑल डाटा, फिर से आपको इरेज ऑल डाटा करना होगा। इस पर आप सेट को रीसेट करेंगे तो आपका फ़ोन जो हैंग का जो इश्यू था वो सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इरेज ऑल डाटा नहीं कर रहा हूँ, और अगर आपको करना है तो आप कर सकती हो। आपका फ़ोन जो हैंग का जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।